क्लास 8 यूनिट 10 ए यंग वॉइस ऑफ चेंज। स्पीच ओरिएंटेशन इज इफेक्टिवली टेकिंग द इंफॉर्मेशन वन विशेष टू प्रेजेंट एंड अरेंजिंग इट इन ए लॉजिकल ऑर्डर गिवन बिलो आर द हाईलिस्ट ऑफ स्पीचेस डिलीवर्ड बाय टू यंग गर्ल्स टू फाइंड व्हाट मेड देयर स्पीचेस वर्ल्ड फेमस। बोल रहा है व्यंग्यस्थान उन सूचनाओं को प्रभावी ढंग से लेता है जिन्हें कोई प्रस्तुत करना चाहता है तथा यह उनको ताकीकर ढंग से व्यवस्थित भी करता है। नीचे दो युवतियों द्वारा दिए गए भाषणों के कुछ महत्वपूर्ण अंश दिए गए हैं। उनके भाषण किस प्रकार विश्व प्रसिद्ध बन गए हैं यह जानते हुए पढ़िए। In 92, a brave 12 years old girl from Vancouver stood up in front of the UN delegates at the Earth Summit in Rio de Janeiro and read a heartfelt speech about the demise of humanity and the embodiment and what needs to be done to make things better. Since then she is now as the girl who silenced the worlds. For 6 minutes her speech is famous worldwide and millions of people have listened to it silently without blinking. Suzuki was just 9 years old when she started an environmental children's organization with a small group of other children, and they raised the money to attend the UN Earth Summit. Given below is Creighton High list of her speech. Hello, I am Sarvan Suzuki speaking for ECO, the Environmental Children's Organization. Vancouver की एक 12 वर्षीय बहादुर लड़की रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मुख खड़ी हुई तथा मानवता एवं पर्यावरण का पतन और उसको पर्यावरण को किस प्रकार बेहतर बनाया जा सकता है के बारे में एक हादसर्स भाषण दिया। तब से वह एक लड़की जिसने संसार को 6 मिनट के लिए खामोश कर दिया के रूप में पहचानी जाने लगी। उसका भाषण विश्व भर में प्रसिद्ध है और लाखों लोग बिना पलक झपकाए चुपचाप उसे सुन चुके हैं। स्वर्ण सुजुकी मात्र 9 वर्ष की थी जब उसने कुछ बच्चों को एक छोटे से समूह के साथ एनवायरमेंट चिल्ड्रंस ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था शुरू की थी और संयुक्त राष्ट्र पृथ्वी शिखर सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे। उसके भाषण के कुछ महत्वपूर्ण अंश नीचे दिए गए हैं। हेलो, मैं स्वर्ण सुजुकी हूँ।
जो ECO एनवायरमेंट चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से अपनी बात रखी हूँ। हमारा कनाडा में 12-13 वर्ष के बच्चों का समूह है जो एक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा है। वी आर ए ग्रुप ऑफ 12 and 13 year ऑल फ्रॉम चंदा ट्राइंग टू मेक ए डिफरेंस। आई एम हेयर टू स्पीक फॉर ऑल जनरेशन टू कम। आई एम हेयर टू स्पीक ऑन बिहाल्फ ऑफ द डिस्टर्बिंग चिल्ड्रन अराउंड द वर्ल्ड हूज क्राइज गो अनहर्ड। आई एम हेयर टू स्पीक फॉर द काउंटलेस एनिमल डाइंग एसोर्स दिस प्लेनेट बिकॉज दे हैव नाउ हेयर लेफ्ट टू गो। आई एम अफ्रेड टू गो आउट इन द सन नाउ बिकॉज ऑफ द होलेस इन द ओजन। आई एम अफ्रेड टू ब्रीथ द एयर बिकॉज I don't know what chemicals are in it. In my life, I have dreamed of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforest full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children. So see, all this is happening before our eyes, and yet we sit as if we have all the need. Did you have to worry about these little things when you were my age? मैं यहाँ आने वाली सारी पीढ़ियों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करने आई हूँ। मैं यहाँ विश्व भर में भूख से मर रहे उन बच्चों की ओर से बोलने आई हूँ जिनकी चीखें अनसुनी की जा रही है। मैं यहाँ इस ग्रह पर मर रहे उन असंख्य जानवरों की ओर से बोलने के लिए आई हूँ क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। मुझे अब धूप में जाने से डर लगता है क्योंकि ओजन की परत में छिद्र हो चुके हैं। मैं हवा में सांस लेने से डरती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता उसमें कौन सा खतरनाक रसायन घुले हुए हैं। मेरे जीवन में मैंने जंगली जानवरों के बड़े बड़े झुंड जंगल तथा पक्षियों और तितलियों से भरे वर्षों वनों को देखने का सपना देखा था, लेकिन अब मुझे संदेह है कि क्या ये मेरे बच्चों को देखने तक भी जीवित रह पाएंगे। क्या आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ऐसा भय सताता था जब आप मेरी उम्र के थे? All this the happening before our eyes, and it we exit of if we have all the time we want and all the solution. I am only a child and I do not have all the solutions, but I want you realize neither do you. You do not know how to fix the holes in our ozone layer. You don't know how to bring salmon back up a dead stream. You do not know how to bring back an animal no extremes. And you can bring back forest that once grew where there is now desert. If you do not know how to fix it, please stop breaking it.
यह सब हमारी आँखों के सामने हो रहा है और हम अब भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हमारे पास पूरा समय तथा सारे समाधान उपलब्ध है। मैं केवल एक बच्ची हूँ और मेरे पास इन सब का समाधान नहीं है, लेकिन मैं आपको यह सब महसूस करना चाहती हूँ, ना कि आप नहीं जानते कि ओजोन परत के छेद को कैसे बंद कर सकते हैं। आप नहीं जानते कि वह नदी जो सूखकर रेगिस्तान बना चुकी है उसे वापस जिंदा कैसे कर सकते हैं। आप नहीं जानते कि लुप्त हो चुके जानवरों को धरती पर वापस कैसे ला सकते हैं, और आप उन वनों को भी वापस नहीं ला सकते हैं जो कभी उगे हुए तो थे पर आज वह रेगिस्तान है। यदि आप तोड़ना नहीं जानते तो फिर कृपया इसे तोड़ना भी छोड़ दीजिए। मैं एक बच्ची हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ कि हम सब की एक ही परिवार के अंग हैं, जिसकी शक्ति 5 अरब के लगभग है। यह 3 करोड़ प्रजातियों की शक्ति और हम सब एक ही प्रकार की हवा, पानी तथा मिट्टी को समझा करते हैं। सीमाएं तथा सरकारें इसे कभी बदल नहीं सकती। पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 अभी दूसरे चैनल में मिलेगा। चेंज डेट तक हो गया। आई एम ओनली ए चाइल्ड होगा, क्लास 8 का इंग्लिश।